आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है स्मार्ट ह्यूमन, यानी कि अ ह्यूमन ब्रेन विद अ माइक्रोचिप इन इट। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंटेंट जंक्शन। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तो अब तक आपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार, यहां तक कि स्मार्ट सिटी के बारे में भी सुनाया पड़ा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट ह्यूमन माइंड, या यूं कहें सुपर ह्यूमन के बारे में, जिसकी शुरुआत अब होने वाली है। आपको यकीन नहीं होता, शायद ये आपको अभी भी किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, पर वाकई भरोसा कीजिए, ये सब सच होने में शायद अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये सब होगा वर्ल्ड विजनरी एलोन मस्क के प्रोजेक्ट न्यूरालिंक से। जी हाँ, वही वर्ल्ड फेमस एलोन मस्क, जिन्होंने इससे पहले भी इम्पॉसिबल लगने वाले प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है एक हकीकत में। उदाहरण के लिए इनकी कंपनी SpaceX, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है और जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करके भेजती है, जैसे कि नासा और इसरो। यही नहीं, इस कंपनी का आगे का लक्ष्य है ह्यूमंस को मार्स प्लैनेट में भेजने का और वहां बसाने का भी। इसी तरह इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, जिसने दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स के सपने को सच किया। तो इनका न्यूरालिंक प्रोजेक्ट एक बहुत ही एडवांस स्टेज में एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसका इन्होंने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है, और अमेरिकन एजेंसी FDA की अप्रूवल के बाद तो ह्यूमन ट्रायल भी शुरू करने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। ऐसा कहा जाता है कि इस दिलचस्प प्रोजेक्ट की शुरुआत एलोन मस्क ने दो मुख्य कारणों से की। पहला, कि जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी और दुनिया का कंट्रोल लेती जा रही है और इसका विकास हो रहा है, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आगे चलकर ह्यूमन रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो जाए। इन हालातों में न्यूरालिंक का ये ह्यूमन माइंड में इम्प्लांटेड माइक्रोचिप हमारे दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर कंप्यूटर के बराबर बना देगा, और हम वो सब भी आराम से कर पाएंगे जो अभी सुनने में असंभव लगता है। दूसरा कारण यह है कि इस दिमाग की माइक्रोचिप से मनुष्य की बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड बीमारियां ठीक हो सकेंगी, जैसे कि अल्जाइमर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, कोमा, ब्रेन स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से लगा हुआ लकवा इत्यादि। अब हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो लोगों ने अपनी शुरुआती रिसर्च में यह पाया कि ह्यूमन माइंड एक ऐसी डिवाइस की तरह है जो कि पहले इनपुट के तौर पर कैप्चर की गई ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देता है। यहां पर हम इनपुट डिवाइस के तौर पर अपनी आंखों को मान सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा हाई स्पीड विजुअल इंटरफेस है जो कि सीधे हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। लेकिन हमारा ब्रेन इससे कंपैरेटिवली काफी धीरे और थोड़ा ही प्रोसेस करके इसके मुकाबले काफी कम आउटपुट ही दे पाता है। मगर हम अगर किसी तरह इस ब्रेन की कैप्चर्ड या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस और एनालाइज करने की स्पीड अच्छी खासी बढ़ा दें, तो ब्रेन का आउटपुट भी बढ़ जाएगा, और हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट में इतना फर्क नहीं रह जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर ह्यूमन ब्रेन के लिए न्यूरालिंक ने यह माइक्रोचिप बनाई है, जिसका लेटेस्ट प्रोटोटाइप एलोन मस्क ने अभी कुछ समय पहले ही सबके सामने शेयर किया, जिसमें ये ब्रेन में इम्प्लांट होने वाली माइक्रोचिप एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस नजर आई, जो कि लगभग एक छोटे से कॉइन के बराबर ही दिखा, और ये सिर्फ कुछ MM साइज का ही है, जिसमें काफी सारे थ्रेड्स भी हैं जो कि हमारे ह्यूमन हेयर से काफी पतले हैं, और हर थ्रेड पर काफी सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव या स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे हमारे दिमाग काफी एक्टिव हो सकता है और शायद काफी तेजी से भी काम करेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे को, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिससे फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इसी को माइक्रोचिप में लगे हुए इलेक्ट्रोड्स पकड़ेंगे और फिर आगे माइक्रोचिप को देंगे,
और ये माइक्रोचिप इन सिग्नल्स को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके बाहरी वातावरण में मौजूद एक्सटर्नल डिवाइस को भेजेगी। और यह सिर्फ इन सिग्नल्स को सिर्फ पढ़ ही नहीं सकेंगे बल्कि इसे लिख भी पाएंगे, और आगे आने वाले समय में तो असीमित संभावनाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचिए कि अगर आपको किसी काम से रशिया जाना पड़ता है या आप छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए वहां ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप रशियन नहीं हैं और इसीलिए आपको वहां की भाषा यानी कि रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो अभी के समय में तो आपको कोई और भाषा अच्छे से सीखने यानी कि पढ़ने लिखने और बोलने में शायद सालों लग सकते हैं। लेकिन न्यूरोलिंक की इस ब्रेन की माइक्रोचिप से हो सके कि आने वाले समय में आपको कोई भी नई भाषा सिर्फ कुछ ही पलों में अपने दिमाग में डाउनलोड करके उसका उपयोग करने में आसानी हो। या फिर जरा सोचिए कि अगर गूगल मैप्स या कोई और भी मैप आपके दिमाग में डायरेक्टली सेव या खुद ब खुद अपडेट हो जाए तो एक कितना सहूलियत भरा हो। अभी हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल या कॉलेज में सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन को सीखने और गेन करने में लगा देते हैं, और इस सब में हमारे जीवन के कई साल निकल जाते हैं जिसमें कि हम शायद कुछ और बेहतर और बढ़िया काम कर सकते हों। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको ये सब याद भी ना करना पड़े बल्कि ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली अपने दिमाग में गूगल की तरह डाउनलोड कर सकें, जो शायद अब न्यूरोलिंक की बदौलत आप अपने भविष्य में जल्दी होता हुआ देखें, मतलब कि महज अगले 5-10 सालों के अंदर ही। एलोन मस्क के अभी कुछ समय पहले ही न्यूरोलिंक के लेटेस्ट प्रोटोटाइप की डिटेल्स लोगों के साथ शेयर की और उन्होंने इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जिसमें न्यूरोलिंक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के 3 गिनी पिग से लोगों को मिलवाया, जिसमें पहली थी चॉइसी जो कि एक नॉर्मल पिग है जिसमें उन्होंने कभी कोई चिप नहीं लगाई और वो एकदम नॉर्मल पिग की तरह व्यवहार कर रही थी। फिर लोगों को दूसरी पिग डोरथी से मिलवाया गया जिसके दिमाग में पहले एक माइक्रोचिप लगाई गई थी लेकिन अब निकाल ली गई है, और डोरथी भी एक नॉर्मल पिग की तरह ही व्यवहार कर रही थी। और फिर तीसरी पिग गर्ट्रूड नाम की थी जिससे ब्रेन में उस समय 2 महीने से माइक्रोचिप लगी हुई थी उसे मिलवाया गया, तो जब उसने खाना खाया तो उससे जुड़े हुए सिग्नल इस माइक्रोचिप में कैप्चर हुए, फिर वो एक्सटर्नल डिवाइस को भी भेजे गए जिसको न्यूरोलिंक की टीम ने एनालाइज किया। फिर इसके बाद जब इस पिग को चलाया गया तो इस माइक्रोचिप की मदद से इसके दिमाग में हो रहे डेवलपमेंट्स के एनालिसिस करके न्यूरोलिंक की टीम ने इस पिग के लिम मूवमेंट की काफी हद तक सटीक फोरकास्ट भी की, मतलब कि पहले से ही बता दिया कि वो कैसे और किस तरह चलेगी। इसे कोई छोटी उपलब्धि नहीं माना जा सकता बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस माइक्रोचिप इम्प्लांट की वजह से हम इस पिग के दिमाग को पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह का सफल परीक्षण न्यूरोलिंक पहले चूहों पर भी कर चुका है। एलोन मस्क की सोच है कि इस माइक्रोचिप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ब्रेन से मिलाकर आने वाले समय में सुपर इंटेलिजेंस बनाई जा सकती है, यानी कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जिसे हम बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिम्बायोटिक मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर रहकर साथ काम करने के विजन पर ही न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट आधारित है, जिसका BMI यानी कि ब्रेन मशीन इंटरफेस इस माइक्रोचिप में ही है, जो कि ह्यूमन ब्रेन में किसी डॉक्टर के द्वारा इम्प्लांट नहीं की जाएगी बल्कि बेहद एक्यूरेसी के साथ एक रोबोटिक सर्जरी के द्वारा एक सर्जिकल रोबो करेगा जिसका रिमोट डॉक्टर के पास भी होगा। खैर, न्यूरोलिंक के इस माइक्रोचिप में लगा हुआ ब्रेन मशीन इंटरफेस कितना पावरफुल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी के समय में मौजूद सबसे अच्छे BMI में से एक यूटा एरे जिसे एपिलेप्सी को समझने के लिए किया जाता है उसमें सिर्फ 100 इलेक्ट्रोड चैनल्स हैं, जबकि न्यूरोलिंक के ब्रेन माइक्रोचिप में अभी से ही 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रोड चैनल्स हैं और आने वाले समय में तो ये और भी एडवांस हो जाएगा। फिलहाल तो एक महंगा प्रोसीजर लगता है, लेकिन एलोन मस्क का मानना है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग दिनों दिन बढ़ेगा और फिर ये सस्ती भी होती जाएगी। न्यूरोलिंक का कहना है कि ये माइक्रोचिप ह्यूमन ब्रेन में आसानी से इम्प्लांट की जा सकेगी और ये बिल्कुल भी बाहर से किसी को नजर नहीं आएगी।
और साथ ही साथ ये वायरलेस चार्जिंग टेक्निक से रात को खुद को रिचार्ज भी कर पाएगी। ऐसा सुनकर ये वाकई में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसको देखते हुए प्राइवेसी और सेफ्टी इश्यूज भी उठाए हैं और अपनी आशंका व्यक्त की है कि अगर इस टेक्नोलॉजी से ह्यूमन ब्रेन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है और कुछ अच्छी बुरी यादें तक शायद आगे चलकर मिटाई जा सकेंगी, तो कौन और कैसे देखेगा कि ये सब सही और विश्वसनीय तरीके से हो रहा है। वहीं साथ ही साथ कोई इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करे, इसे कैसे हम पूरा करेंगे। न्यूरालिंक ने अभी कहा है कि इसकी रिसर्च अभी भी इस पर चल रही है और वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन बहुत सारे इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है जो कि इस समय न्यूरोलॉजिकल डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि अल्जाइमर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से लगा हुआ लकवा, डिप्रेशन या ऐसी ही कुछ और बीमारियां। जरा सोचिए, भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति कभी ब्रेन डेड ही ना हो इसकी वजह से, तो कितना शानदार हो सकता है। न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत शायद 2020 के अंत से या 2021 से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल द क्वांटम जंक्शन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।